और रूठी हुई एमक्यूएम को मनाने के लिए चेयरमैन सेनेट भी मैदान में आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि मुल्क और कौम की भलाई के लिए हमेशा हाजिर हूं, कौम के मफाद के लिए किसी पार्टी रहनुमा के घर भी जाने को तैयार हूं। बड़ी देर की मेहरबान। आते आते एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का हल्के फुल्के अंदाज में शिकवा, मैं आया था आप मिले नहीं। चेयरमैन सेनेट का जवाब, चेयरमैन सेनेट मुतालबात की मंजूरी में हमारा साथ देंगे। एमक्यूएम पर उम्मीद, कहा जिन अवामी मसाइल के लिए हकूमत से इत्तेहाद किया वो हल हो जाए, वजारतें तो आनी जानी है। मैंने जैसे पहले कहा कि मेरी जहां जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूं, किसी भी पार्टी किसी के पास भी जाने के लिए। पाकिस्तान की जान बेहतरी की होगी, अवाम की बेहतरी की होगी, मैं हाजिर हूँ किसी भी पार्टी किसी भी बंदे के घर भी जाने के लिए। आज यहाँ आने का दोस्ताना वो था, बुनियाद दोस्ती। मैंने कहा मैं तो लेट हो गया, लेकिन मैं आया था खालिद भाई को यहाँ पे शुक्रिया अदा करने के बाज़ाब्ता तौर पर, कि ताकि हम आए सकते हैं, हम इजहार एकजहती भी इनके साथ करें कि हम इनके साथ हैं, ये भी हमारे साथ करें। पाकिस्तान की आवाम के साथ, सिंध के शहरी इलाकों की आवाम का एक ताल्लुक रहा है। जब भी वहाँ पर कोई भी ज़्यादती हुई है उस पर आवाज़ सिंध के शहरी इलाकों ने ज़रूर उठाई है, खुसूसन एमक्यूएम ने उठाई। और आज का इनकी यहाँ आमद से ये वादा भी रहा है कि ये हमारे मसलों पर और हम इनके जायज़ मसलों पर मिलकर आवाज़ उठाते रहेंगे।